सभा में ये बढ़िया आपने किया कि महतो के बीच जाके बोले हम महतो हैं, मंडल के बीच जाके बोले हम मंडल हैं, रवानी के बीच जाके बोले हम रवानी हैं, यादव के बीच जाके बोले हम यादव हैं, और पसमांदा सबके बीच जाके बोले हम पसमांदा हैं। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। चित्रा की कोलियरी में कितना महतो, मंडल, रवानी, पसमांदा है, लिस्ट दिखाइएगा हमको। फिर भाषण देने से नहीं चलेगा, आप दिखाइए हमको कि चित्रा की जो कोलियरी है उसमें आपने सामाजिक न्याय को कैसा आधार माना है। वहां कितने आपके रिश्तेदार के अलावा, आपके गोतिया भयाद के अलावा कितने मंडल लोग हैं, कितने महतो लोग हैं, कितने रवानी लोग हैं, कितने अल्पसंख्यक है, कितने संथाल हैं, ये लिस्ट आप हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। जब रोजगार देने की बात आएगी, जब ट्रांसपोर्टिंग की बात आएगी, जब डीओ की बात आएगी, जब आउटसोर्सिंग की बात आएगी, आप एक परिवार में सीमित रखते हैं। अरे आप भी जिस समुदाय से आते हैं, स्वर्ण समुदाय कहते हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी आबादी है। आप हमको लिस्ट दिखाइए कि अपने परिवार के अलावा आपने कितने स्वर्णों का उद्धार किया है। इसलिए केवल भाषणों में मत दीजिए, महत्व गांव में अब महत्व बन जाते हैं, मंडल गांव में अब मंडल बन जाते हैं। कितने महत्व, मंडल, रवानी, अल्पसंख्यक चित्रा की कोलियरी में रोजगार पाए हैं, ये लिस्ट हमको दिखाइए माननीय विधायक जी। आज ये कहते हैं कि जयराम महतो सारक विधानसभा से लड़े, 5000 वोट लाएगा। चलिए, ना आपकी ना मेरी, पहले लोकसभा चुनाव है। आप दुमका से आते हैं, दुमका रिजर्व है, हम गिरिडीह से आते हैं। चले गिरिडीह हटाइए, दुमका हटाइए, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं, हम आपको धनबाद आमंत्रित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बड़े भाई रणधीर सिंह जी, पीएन सिंह 15 साल सांसद रहा है, बढ़िया सीट है, धनबाद आइए, आइए भाजपा के टिकट से धनबाद। न गिरिडीह न दुमका, अगर गिरिडीह में तो गिरी का मतलब पहाड़ होता है और पहाड़ में सिर्फ टाइगर ही रहता है, हम गिरिडीह छोड़ के धनबाद आएंगे। अब आइए धनबाद, माननीय रणधीर सिंह जी, आइए, आपकी चुनौती को हम स्वीकार करने आए हैं और आपको न्योता देने आए हैं कि आप पहले लोकसभा में हाथ आजमाइए, आप धनबाद लोकसभा से आइए, हम धनबाद में आपसे टकराएंगे।